हृदय मंदिर के अंदर संतोष। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब कभी किसी दुखद घटना से तुम्हारा मन खिन्न हो रहा हो, निराशा के बादल चारों ओर से छाए हुए हों, असफलता के कारण चित्त दुखी बना हुआ हो, भविष्य की भयानक आशंका सामने खड़ी हुई हो, बुद्धि किं कर्तव्य विमूढ़ हो रही हो, तो इधर उधर मत भटको। उस लोमड़ी को देखो, वो शिकारी कुत्तों से घिरने पर भागकर अपनी गुफा में घुस जाती है और वहां संतोष की सांस लेती है। ऐसे विषम अवसरों पर सब ओर से अपने चित्त को हटा लो और अपने हृदय मंदिर में चले जाओ। बाहर की समस्त बातों को बिल्कुल भूल जाओ। पाप तापों को द्वार पर छोड़कर जब भीतर जाने लगोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा भारी बोझ जिसके भार से गर्दन टूटी जा रही थी उतर गया है और तुम बहुत ही हल्के रुई के टुकड़े की तरह हल्के हो गए हो। हृदय मंदिर में इतनी शांति मिलेगी जितनी ग्रीष्म से तपे हुए व्यक्ति को बर्फ से भरे हुए कमरे में मिलती है। कुछ ही देर में आनंद की झपकियां लेने लगोगे। हृदय के इस सात्विक स्थान को ब्रह्मलोक या गोलोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता, प्रकाश और शांति का ही निवास है। परमात्मा ने हमें स्वर्ग सोपान सुख प्राप्त करने के लिए दिया है, किंतु अज्ञानतावश मनुष्य उसे जान नहीं पाते। अखंड ज्योति, मार्च 1941, पृष्ठ 5।